यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम बुहेरा तहसील नवाबगंज में संजय सिंगला रेजिडेंसी में अवैध रूप से निर्मित 5 करोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से किया गया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं माफिया संजय सिंगला गैंगस्टर केस समेत कई मुकदमों के चलते जेल में बंद है। सिंगला द्वारा लोगों ने के धोखाधड़ी करके जमीनों की प्लाटिंग करके बुहेरा गांव में बेचा गया था। पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक भूमाफिया चिन्हित किया गया था, संजय सिंह सिंगला। उसके द्वारा ये अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लगभग 22-25 दुकानें थी और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो भूमाफियाओं के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है, उसका उसी की कड़ी में यहाँ पे संजय सिंगला के द्वारा जो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसकी ध्वस्तीकरण बाराबंकी में कराया गया।